I'm Daisy. Hi, I'm Lucky. And I'm lucky to meet you. You have a very manly voice. Thanks. अमूल स्टार वॉइस ऑफ इंडिया वालों का भी यही कहना है। वो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना था कि पहले मेरी बात सुनो। I want to say those three magic words. I. लो क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? क्या? हाँ? Hi, I'm Daisy. मेरी एक फ्रेंड है सैम्बो, उसे एक नया हेयर कट और नया लुक चाहिए, तो आप कल का अपॉइंटमेंट दे सकते हैं? अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये बोल नहीं सकता, ये गूंगा है। टेम्परेरी टूथ एक प्रॉब्लम। ओह आई सी। और दर्द के मारे सूजन भी बढ़ गई है। किधर है? इधर है। आई एम सो सॉरी लकी, बट इट वाज नाइस टू मीट यू। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय। लकी, मैं कुरियर ऑफिस गई थी। तुम्हारे जीजू के बताए हुए एड्रेस पे मैंने एंथनी गोंसाल्विस को लेटर भेजा है। लकी, अगर एंथनी गोंसाल्विस है तो कोई टेंशन नहीं, अगर एंथनी गोंसाल्विस नहीं है तो तुम्हारे जीजू भी नहीं रहेंगे। अरे गोपाल, वो नई रिक्रूटमेंट वाली फाइल कहाँ पे? सर वो सुबोध बेहरा ने आपको नहीं दिया? गोपाल अब एक मिनट, किशोर सुबोध बेहरा कहाँ है? सर वो तो दो दिन से काम पर नहीं आया, किसी की मार खा के पड़ा होगा। मैं भेजवाता हूँ। चलो ओके, आई विल बी वेटिंग। ओ आ ओ आ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ क्या देखा? आ ए ओ उ ई आ अ ई अ उ अ ई अ ई। एकता, क्या हुआ एकता को? एकता है एकता और आई हो जाए हो जाओ। एकता ने चिट्ठी लिखी। आ किसको? आ ए इन आ ओ ई ओ आ इन ए ओ डी ई एंथनी गोंसाल्विस। आ मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई एंथनी गोंसाल्विस नहीं है। लकी तू गलत समझ रहा है, एक्चुअली उस रात मैं एक लड़की के साथ था। यायो मायो, अरे तू फिर गलत समझ रहा है, मेरी बात तो सुन, मेरी बात, अरे मेरी बात तो सुन। उस रात मैंने एक लड़की को गुंडों से बचाया, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी तो हम लोगों को यॉट पे रुकना पड़ा। अब यही बात मैं तेरी बहन को बताऊंगा तो क्या वो मानेगी? नहीं ना। अरे डिवोर्स नहीं, सीधा सुसाइड करेगी। तू क्या चाहता है कि तेरी बहन मर जाए? तेरे माँ बाप शौक में टपक जाए? तू अनाथ हो जाए लकी? तू ले बता दे एकता को। अरे तू क्या, मैं ही बता देता हूँ। नहीं अरे वाह, कुछ करेंगे, अब हमें कौन बचाएगा? दाल में काला या फिर काले में दाल, आम कयामत पे बे आम कमाल। बचके रे, दिल चोरी होना चाहे रखना ख्याल। बोल इंटरव्यू जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए, माई सेल्फ लक्ष्मण प्रसाद बॉस। लक्ष्मण प्रसाद बॉस, तुम इसे जानते हो? नहीं, कौन है? ये भी लक्ष्मण प्रसाद था। था? अब ये सातवें आसमान पर है। ओह। एनीवेज सिट, क्वालिफिकेशंस। थैंक यू बॉस। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस तो आजकल हर टॉम डिक एंड हैरी के पास है बॉस, लेकिन आप मुझसे पूछिए कि इन सब के अलावा मेरे पास ऐसी क्या चीज है कि आई डिजर्व द जॉब? क्या? समस्या का समाधान, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जस्ट नेम इट एंड आई एम देयर। डॉग्स फॉर मिसिंग फिश का प्रॉब्लम, घर पे केबल टीवी डिश का प्रॉब्लम, या फिर आपके घर के टॉयलेट के फ्लश का प्रॉब्लम,
आई एम देयर. दूसरी कंपनी से टक्कर का प्रॉब्लम, साइमन भज्जी या स्टीव बकनर का प्रॉब्लम, वाइफ के अलावा किसी और लड़की से चक्कर का प्रॉब्लम, आई एम देयर. वो लास्ट में क्या बोला तुमने? वाइफ के अलावा किसी और लड़की से चक्कर का प्रॉब्लम, आई एम देयर. नहीं, तू भौंकने वाला लगता है, काटने वाला नहीं. अब अरे सर, आप जब तक मुझे आजमाएंगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा? आप एक काम कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम बताइए मुझे, देखिए मैं फटाफट सॉल्यूशन देता हूँ. ठीक है, मैं मेरा एक दोस्त था. दोस्त? उसने अपनी बीवी से झूठ कहा कि उसने रात अपने दोस्त एंथनी गोंसाल्विस के साथ बिताई, बट एक्चुअली उसने एक लड़की की जान बचाई. दोनों ने थोड़ा वक्त यॉट में साथ में गुजारा और लड़की थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी तो उसने टीवी ऑन कर दिया और फिर और टीवी पे हॉट सीन चल रहा था. लड़की थोड़ी और अनकंफर्टेबल हो गई और आप डबल अनकंफर्टेबल. मैं? आप. उस रात उस लड़की के साथ आपका दोस्त नहीं, आपके बॉस है ना? तेरे पास पोपट है क्या? क्या मतलब? नहीं, वो भविष्यवाणी करने वाला पोपट. नो. अरे सर, मैं तो आपको आगे की कहानी भी बता सकता हूँ. टीवी पे हॉट सीन शुरू होने के बाद आपने लड़की की ज्योग्राफी देखी और फिर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी की हिस्ट्री भूल गए, फिर आपकी केमिस्ट्री रंग लाने लग गई और आप फिजिकली और पास आ गए और फिर एक सेंशुअस सेडक्टिव सेक्सी रोमांटिक ड्वेट. एपिटाइजर था बॉस, मेन कोर्स तो पहले ही कर चुके हैं. क्या करे, अब होनी को कौन टाल सकता है, है ना? आए, कैसे दुल्हन की तरह शर्मा रहे बॉस. कोई बात नहीं, आपकी वाइफ का प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा. आपकी वाइफ ने तो एंथनी को देखा ही नहीं है. आपकी वाइफ ने मुझे भी नहीं देखा. प्रॉब्लम सॉल्व कैसे? आज से मैं एंथनी गोंसाल्विस. मैं आके आपकी वाइफ को बताऊंगा कि उस रात आप उस लड़की के साथ नहीं, मेरे साथ. Okay. एक बात बता. हाँ? शकल से तो कमीना लगता है, अकल से महा कमीना है. थैंक यू बॉस. अब आपको सिर्फ मेरा अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करना होगा, फिर मेरी गर्लफ्रेंड के घर वाले खुश हो जाएंगे और हमारी शादी पक्की हो जाएगी. तेरे पास पोपट नहीं है ना? नहीं है. मेरे पास है. पहले मेरा काम, फिर अपॉइंटमेंट लेटर, कल सुबह 9 बजे. ओके बॉस.